हेलो नमस्कार दोस्तों, पूजा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हरीश, आज के टॉपिक में आपको बताएंगे दोस्तों UDIDI कार्ड बनाने के लिए। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उसको UDIDI कार्ड, विकलांग सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ऑनलाइन उसका सर्टिफिकेट बनता है, उसके बारे में ऑनलाइन करना आपको बताएंगे दोस्तों। UDIDI कार्ड जो विकलांग लोगों का मिलता है उसके बारे में आपको ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताएंगे, किस तरह से हम ऑनलाइन करके UDIDI कार्ड विकलांग लोगों के लिए बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का विकलांग हो, पैर से, आंख से, कान से, जो भी हो, उसका सर्टिफिकेट आपको, UDIDI कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा दोस्तों। देखिए मेन इसका जो साइट है दोस्तों ये है, देखिए आपको जाना है swablambankard.gov.in, ये इसका मेन वेबसाइट है दोस्तों। आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड राइट साइड देख सकते हैं, अप्लाई फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDIDI कार्ड। अगर आपको फ्रेश से डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDIDI कार्ड चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDIDI कार्ड रिन्यूअल। अगर कार्ड आप रिन्यूअल करना चाहते हैं UDIDI कार्ड या डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके लिए इस सेकेंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर लॉस्ट UDIDI कार्ड, अगर आपका UDIDI कार्ड भूल गया है तो उसके लिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक योर अप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप अपने स्टेटस देख सकते हैं, उसका जो आपने अप्लाई किया है UDIDI कार्ड के लिए उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। डाउनलोड या डाउनलोड योर डिजेबिलिटी कार्ड एंड UDIDI कार्ड, अगर आपका कार्ड खो गया तो यहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। तो यहां सिंपली हमको अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDIDI कार्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए इस हमारा इंटरफेस न्यू इस ड्रेस पर टाइप हो गया। अब यहाँ पर हम अपना टोटली इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे, जैसे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम पूछ रहा है, उसके बाद लास्ट नेम डाल दीजिए, उसके बाद एप्लीकेंट का फादर नेम डाल दीजिए, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद इसका पिता नेम फिर दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, जेंडर आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे, मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे, ईमेल आईडी टाइप कर लेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, कट मार्क या कुछ आपका तिल उल हो वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। कैटेगरी एप्लीकेंट का क्या है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, जो भी है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे डाल देना है, जो ब्लड ग्रुप आपका है, मैरिड है, अनमैरिड है टाइप कर लीजिएगा। रिलेशन विथ PWD फादर, पर्सन ऑफ गार्जियन, गार्जियन का नाम यहाँ पे डाल देंगे जो इसको केयर करता हो, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ गार्जियन केयर टेकर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, उसके बाद कैंडिडेट का फोटो डाल दीजिए। फोटो डालने के बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ थंब, सिग्नेचर डाल लीजिए, उसके बाद एड्रेस उसका डाल दीजिए, उसके बाद उसका स्टेट यहाँ पे चूज कर लीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाइप कर लीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, आप डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हैं तो आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, जो आपका परमानेंट एड्रेस हो कैंडिडेट का वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, विलेज वहाँ पे, पिन कोड, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़ा है वो यहाँ पे वो कर लीजिए। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है,
यहाँ पे देखिए, डू यू हैव डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है, नहीं है तो नहीं। डिजेबिलिटी का टाइप क्या है, एसिड से अटैक है, ब्लाइंडनेस है, और इसके साथ ये है सेरेब्रली पैलसी से है, क्रोनिक कंडीशंस है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुन नहीं सकता है, होमोफिलिया है, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी है, लिप्रोसी कुरेड है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी है, जो उसका टाइप हो जिससे वो डिजेबिलिटी है वो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है डिजेबिलिटी कब से है, बर्थ से है, डिजेबिलिटी सिंस मतलब कब से है, तो यहाँ पे अगर जन्म से हो तो यहाँ से जन्म, अगर पर्टिकुलर टाइम में वो हुआ है जिस साल में तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, 18 में जो हुआ है, किसी एक्सीडेंट में हुआ है तो यहाँ से आप उस ईयर का कब एक्सीडेंट हुआ है उसका यहाँ पे ईयर चूज कर लेंगे। डिजेबिलिटी एरिया, यहाँ पे जो एरिया आपका है विकलांगता वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। बोन डिजेबिलिटी बहुत सारे टाइप हैं, बोथ ईयर, बोथ हाई, बोथ लेग, लेग से है, तो जो भी जिस टाइप का है, जिस एरिया में आपका विकलांगता है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा सेलेक्ट करके। उसके बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग डिजेबिलिटी, ट्रीटिंग डिजेबिलिटी अगर है तो, पेंशन कार्ड अगर है तो पेंशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है डिजेबिलिटी ड्यू टू, मतलब डिजेबिलिटी किस कारण से हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है, मतलब डिसेज रोगे किसी कारण रोग बस से हुआ है, इन्फेक्शन से हुआ है या मेडिसिन से हुआ है, तो जो भी हो वो आप यहाँ पे वो टाइप कर दीजिएगा। डिसेज यहाँ पे है हॉस्पिटल, जहाँ आपका हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आप जहाँ से बनवाना चाहते हैं वो यहाँ से हॉस्पिटल अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड है जो कैंडिडेट है हमारा, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड कब से है, तो अभी फिलहाल अभी से है, एपीएल में आता है कि बीपीएल में आता है, तो जो उसका कैटेगरी है वो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो एनए नोट अप्लीकेबल यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे पर्सनल इनकम, इसका इनकम बिलो सबसे जो कम रहेगा वही डाल दीजिएगा, 10,000 डाल दिया। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए एक एड्रेस प्रूफ पूछ रहा है, तो आधार कार्ड आप डाल दीजिएगा या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, कैप्चा यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद एक टर्म एंड कंडीशन बटन पे टिक मार्क करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया दोस्तों, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, आप एक बार मिलान कर लीजिएगा सब चीज़ की ओके है कि नहीं, ओके होने के बाद फिर आगे प्रोसीड करिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पर सिंपली अगर आप सीएससी से करना चाहते हैं लॉग इन विद डिजिटल सेवा से तो यहाँ से कर सकते हैं, या कन्फर्म एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कन्फर्म एप्लीकेशन यहाँ पे करने के बाद ये सब पूछ रहा है कि आपका जो नाम लास्ट नेम सेम सब सही है कि नहीं, जो लैंग्वेज है वो सही है कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सब सही है कि नहीं, यस यस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली यस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए क्लिक करने के बाद देखिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आ जाता है, वो डाउनलोड एप्लीकेंट यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए UDI कार्ड इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और अपना फिर स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए UDI ID कार्ड स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा इस तरह से रिसिप्ट निकल जाता है और ये एप्लीकेशन आ गया पूरा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों CSE के टोटल स्टेप्स के बारे में, हर फंक्शंस के जो भी है, हमारे सर्विसेज अवेलेबल है इस सभी के लिए वीडियो बना है दोस्तों, उसमें आप जाकर देख सकते हैं और अपना CSE का लाभ ले सकते हैं, इसका फंक्शंस के बारे में आप जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।